सर कुछ और क्वेश्चंस ले लूँ जी। सर, पीजीडी कब करवाना चाहिए, किस कंडीशन में करवाना चाहिए? पीजीडी रिलेटेड एक पूरा वीडियो है हिंदी में, वो आप अभी थोड़े दिन पहले ही रिलीज हुआ है, मेरे ख्याल से पिछला वीडियो ही पीजीडी रिलेटेड था। उसको आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ पीजीडी रिलेटेड मिलेंगी। पीजीडी जो है आजकल प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डिजीज डायग्नोसिस जो है वो बहुत सारे चीज़ों में चेंज हो गया है। उसका नाम अब ये बदल के हो गया है पीजीटी, दैट इज़ प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट। अब ये जो टेस्ट है ये तीन तरह के होते हैं। एक होता है कि PGT-M, मतलब जहाँ प्रेगनेंसी हो रही है और घर में कोई खानदानी डिजीज़ चल रही, जैसे थैलेसीमिया हुआ, सिकल सेल एनीमिया हुआ, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी हुआ, जो भी हुआ जिसमें बच्चे में ये खतरा हो सकता है, उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर यदि डायग्नोसिस करते हैं प्री इम्प्लांटेशन तो उसको एम बोलते हैं, मोनोजेनिक डिसऑर्डर या मेंडेलियन डिसऑर्डर। दूसरा होता है PGT-A। PGT-A का मतलब होता है जहाँ इनफर्टिलिटी है, जहाँ पर बच्चा नहीं हो रहा है और आप भ्रूण बनाए हैं और इस भ्रूण के ब्लास्टोसिस्ट को आप बायोप्सी करके देखते हैं कि इसमें एनिप्लॉयडी है कि नहीं, इसमें क्रोमोजोमल डिफेक्ट है कि नहीं बच्चे में। बट ये बहुत फूल प्रूफ नहीं है और मैं इसका बहुत ज़्यादा पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट का रिपोर्ट इसका हमेशा होगा ऐसा नहीं होता। इस चक्कर में बहुत सारे अच्छे एम्ब्रियो भी ट्रांसफ़र नहीं किए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं। तीसरा होता है PGTSR। SR का मतलब ये होता है स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट, जिसमें कि क्रोमोसोम का भीतर जो 46 क्रोमोसोम है, 23 मदर से 23 फादर से, उसका रीअरेंजमेंट यदि पेरेंट में हुआ तो वो ट्रांसफ़र हो सकता है बच्चे में, उसके कारण एबॉर्शन होते हैं। तो उसमें जो बेस्ट छांटने का जो तरीका है वो PGTSR करके कर सकते हैं। मोस्टली यहाँ पर भी इनफर्टिलिटी नहीं होती, बच्चे होते हैं पर रिपीटेड एबॉर्शन होते हैं। ये वाले केस में PGT-A थोड़ा सा मुझे कॉन्ट्रोवर्शियल लगता है और ये एविडेंस बेस्ड भी है। सर, एम्ब्रो ट्रांसफर के बाद कैप्सूल इंसर्ट करने से जो डिस्चार्ज होता है उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? ऐसा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, बट कोशिश करना चाहिए जो कैप्सूल है, जो वेजाइनल कैप्सूल है, उस वेजाइनल कैप्सूल को जब आप इंसर्ट करते हैं तो कोशिश करिए कि जितना डीप हो सके उसको डालिए। इस कैप्सूल के ऊपर एक खोल होता है जो कि आपके वेजाइनल डिस्चार्ज से घुल जाता है। इसके भीतर की जो दवाई है ये बाहर आके यहाँ ब्लड से एब्जॉर्ब होती है। ये जो खोल है, ये जो डिजॉल्व होती है, ये डिस्चार्ज के साथ कई बार बाहर आती है, उसको वेजाइनल डिस्चार्ज भी समझने लगते हैं। इससे कई बार इस एरिया में इचिंग भी होती है, खुजली भी होती है, यदि उसको केवल पानी से धो लेंगे तो भी ठीक होता है। बट कोशिश करिए इस कैप्सूल को जितना हो सके इंसर्ट करने। सर, क्या लो एएमएच में फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर कराना बेटर होता है? यूजुअली बेटर होता है, क्योंकि लो एएमएच में हम यदि डबल स्टिमुलेशन कर रहे हैं या फिर ल्यूपराइड का GnRH एनालॉग का ट्रिगर देते हैं तो फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने की गुंजाइश भी नहीं रहती, और डेफिनेटली फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ज़्यादा बेटर होगा। सर, एक सिंगल एम्ब्रियो 4AA का है, क्या इसका पीजीटीए कराना बेटर होगा? डिपेंड करता है कि आप PGT-A के पक्ष में हैं कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं रहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो बोला जाता है कि ब्लास्टोसिस्ट का जो ग्रेडिंग है, ब्लास्टोसिस्ट की जो कैविटी है, जो फूलती है, जो फैलती है, वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरा हैज्ड। तो ये जो फैलती है, जो इसका जो डायमीटर बढ़ता है उसके हिसाब से इसकी ग्रेडिंग बढ़ती है। पहला नंबर जो डालते हैं, जो आप 4 नंबर बोल रहे हैं, ए यदि बोलते हैं, ए जो होता है ये इनर सेल मास की क्वालिटी का, और ये वाला जो ए है ये ट्रोफोएक्टोडर्म का है। तो बहुत अच्छा फूला हुआ ब्लास्टोसिस्ट विथ बहुत अच्छा इनर सेल मास विथ वेरी गुड ट्रोफोएक्टोडर्म, उसको हम 5AA बोलते हैं। मेरा कहना ये रहता है कि जब 5AA का मॉर्फोलॉजिकली गुड क्वालिटी एम्ब्रियो है तो इसका PGT-A अच्छा होगा, होना चाहिए, और इसको ट्रांसफ़र करना चाहिए। इससे नीचे के जितने भी होंगे वो उतने क्वालिटी वाइज नहीं आए, तभी वो पीछे रह गए। बट वर्ल्ड में 2AA के ऊपर के एम्ब्रियो को PGT-A का एडवाइस दिया जाता है। ये चीज़ कॉन्ट्रोवर्शियल है और हमारी क्लिनिक में अभी भी हम इसको बहुत प्रोपोगेट नहीं करते हैं। PCOD में कौन सी टैबलेट लेना चाहिए पीरियड आने के लिए? आप अपने गायनिक एंडोक्राइन या गायनिकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी में नॉर्मली ओवुलेशन नहीं होता है करके पीरियड नहीं आता है, आप बाज़ार से एक प्रोजेस्टोजन खरीद के पीरियड ला सकते हो। सर, 3 बार प्रेगनेंसी हो चुकी है, क्या चौथे के लिए सी सेक्शन करवा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, पर यह है कि इट विल बी हाई रिस्क केस,
और बाकी यदि आप करा सक प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, ये आपका प्रेरोगेटिव है, विशेषाधिकार है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस वीडियो में अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जो मैं जानकारियां आपको देता हूं आपको घर बैठे बगैर किसी खर्च के मिलती हैं तो उसको आप प्राप्त कर सकें। आप हमारे इस चैनल के जो दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम हुआ या फिर फेसबुक का पेज हुआ, यदि उसमें भी आप जुड़ते हैं तो उसमें जो आप अपने क्वेश्चन यदि रखते हैं, उस क्वेश्चंस का भी हम कोशिश करेंगे कि उनको लेके आपको जवाब देने का। आप सभी को जुड़ने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।